हेलो गाइस, आइए चलिए हम आगे कुछ अपना टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, मोनोटोनिक का जो सिंपली मतलब होता है ना, हम लोग मोनोटोनिक किसको बोलते हैं, या कि वो इंक्रीजिंग हो या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तब हम लोग उसको मोनोटोनिक बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो पहले हम लोग जान से देखते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, क्लियर है। आइए हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, इफ An इज लेस देन An+1, ओके, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हम कोई भी मतलब कि नेचुरल नंबर लें, अगर An से An+1 बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A1 से बड़ा होगा A2, A2 से ग्रेटर होगा A3, A3 से A4। ठीक है, ये चलता चलेगा, इसी सीक्वेंस में An से An+1 आपका ग्रेटर होगा और ये भी आपका चलता चलेगा। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का मिलता है आपको, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, ओके। ये क्या है, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता जा रहा है, जो भी बाद का टर्म है, ठीक है, वो क्या है, पहले वाला टर्म से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, यानी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, ओके। देन जो सीक्वेंस AN है ये क्या कहलाएगा, इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग का जो सेकंड डेफिनेशन है वो होगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये क्या होता है, देखिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, ये क्या होगा, तो उसी का उल्टा, अगर कोई स्ट्रिक्टली आपका डिक्रीज कर रहा है, जैसे ऊपर में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा था, तो हम लिखेंगे क्या, इफ an इज ग्रेटर देन an+1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, दैट इज क्या, कि a1 से आपका a2 स्मॉलर हो गया, उससे स्मॉलर a3, उससे स्मॉलर a4, और इसी में चल रहा है पैटर्न, an से स्मॉलर an+1। ठीक है, तो हम लोग का जो सीक्वेंस है an, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, ओके। अच्छा, सिंपली जो मोनोटोनिक होता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस वो क्या होता है, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस, ओके। तो मोनोटोनिक कब होगा, जब या तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, तब हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक सीक्वेंस। अगर दोनों है, मतलब कि इंक्रीज कहीं किसी इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किसी इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे। हाँ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे, ठीक है, ए सीक्वेंस, ए सीक्वेंस इज सैड टू बी मोनोटोनिक, मोनोटोनिक, ठीक है, इन इंटरवल ए से बी। ओके, कब, ठीक है, इफ द सीक्वेंस इज आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, या तो वो मोनोटोनिक इंक्रीज करता हो या मोनोटोनिक डिक्रीज करता हो। ठीक है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता हो या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता हो, ठीक है, इन इंटरवल ए बी, इन इंटरवल ए बी, बट नॉट बोथ, बट नॉट बोथ। ठीक है, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए, मतलब कि
ऐसा नहीं कि वो किसी इसके सब इंटरवल में क्या हो रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीज कर रहा है और फिर सब इंटरवल में मोनोटोनिक डिक्रीज कर रहा है, तो फिर वो मोनोटोनिक नहीं कहलाएगा। मोनोटोनिक कब कहलाएगा? जब या तो पूरे इंटरवल में थ्रू आउट वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता हो, ठीक है, तब वो मोनोटोनिक कहलाएगा। हाँ, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देखें। ओके, जैसे हम लोग सीक्वेंस ले लेते हैं, सीक्वेंस 1/n, ठीक है, तो सीक्वेंस 1/n क्या है आप देखेंगे अगर, तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है आपका 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, ठीक है, इस टाइप से ये देखिएगा तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? घटता ही जा रहा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज, ठीक है, फॉर ऑल इन, है ना, यानी इंटरवल जो होता है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का इंटरवल क्या होता है, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, इस पूरे इंटरवल में ये क्या कर रहा है आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए क्या है, देयरफॉर जो सीक्वेंस 1/n है ये आपका क्या है, इज मोनोटोनिक, ये क्या है आपका, मोनोटोनिक है, ठीक है। ओके, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए हम लोग एक सीक्वेंस ले लेते हैं, ठीक है, कौन सा सीक्वेंस ले लें हम लोग, तो हम लोग सीक्वेंस ले लेते हैं, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ जैसे मान लीजिए 1/2 का पावर n, तो 1/2 का पावर n भी क्या है, ये भी आपका मोनोटोनिक है जैसे ऊपर में था, ठीक है, ये भी आपका क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ओके, फॉर ऑल n, है ना, कोई भी नेचुरल नंबर आप लीजिएगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका हो गया मोनोटोनिक, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सीक्वेंस लेते हैं, सपोज कीजिए, ठीक है, सीक्वेंस ले लिए सिर्फ n का, या सीक्वेंस ले लिए n² का, या सीक्वेंस ले लिए √n का, ठीक है, तो ये सब सब क्या है, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे आप वैल्यू रखते जाएंगे नेचुरल नंबर्स, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता जाएगा, तो ये भी क्या है आपका, मोनोटोनिक है, ठीक है। ओके, अच्छा, जैसे मान लीजिए हम लोग नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ये ले लेते हैं इसका सीक्वेंस, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो एक्स है, तो आप इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो इसे ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, जैसे 0 से 1 के लिए तो ये 0 ही होता है, ठीक है ना, ऐसे फिर ये आपका 1 से 2 के लिए 1 होता है इस टाइप से, फिर 2 से 3 के लिए 2 होता है, 3 से 4 के लिए 3 होता है, ठीक है, तो आप इसको देखिएगा कि ये भी क्या है आपका, हमेशा इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, पता है आपको ये क्या होता है, ठीक है। ओके, तो ये भी क्या है आपका, ये भी चूंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, ठीक है, फॉर ऑल एक्स, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका मोनोटोनिक हुआ, मोनोटोनिक, ठीक है। ओके, अच्छा, अब आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कि एक मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, साइन एक्स का, ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ आप देखेंगे तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ अगर देखिएगा तो साइन एक्स का ग्राफ देखिए इस टाइप से होता है, ठीक है, आपको पता है इस टाइप से, तो आप इसको देखेंगे तो ये इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है, ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये जैसे 0, ठीक है, और ये हम लोग का हो गया π/2, फिर ये पाई, तो 0 से π/2 में ये इंक्रीज कर रहा है, फिर π/2 से π में ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो अगर हम बात करें 0 से π में तो क्या है, इज नॉट मोनोटोनिक, ये मोनोटोनिक नहीं है, इज नॉट मोनोटोनिक इन 0 से π, 0 से π का बात कीजिएगा तो ये मोनोटोनिक नहीं है, इसलिए कि इसमें ये थ्रू आउट इंक्रीज नहीं कर रहा, बल्कि 0 से π/2 में इंक्रीज कर रहा है, π/2 पे इसका वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम 1 हो जाता है, और फिर उसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है π/2 से π में, ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपका मोनोटोनिक नहीं है, ठीक है, चूंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर 0 से π/2 बात करते हैं, ठीक है, बट इज मोनोटोनिक, ये मोनोटोनिक होगा किसमें,
इन जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू की बात कीजिएगा तो इसमें ही मोनोटोनिक होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं पाई बाई टू से पाई में, तो इसमें भी ये मोनोटोनिक होगा कि इसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इसमें ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो पता चला कि जो मोनोटोनोसिटी है यानी सीक्वेंस का या किसी फंक्शन का जो मोनोटोनिक होना है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इंटरवल पे, कि इंटरवल आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है। इंटरवल को ज्यादा या कम करने से उसका जो नेचर है मोनोटोनोसिटी वो चेंज कर सकता है ना। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ना स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, वो आपका कांस्टेंट होता है, ओके। उसका मोनोटोनोसिटी जो है वो कह सकते हैं कि वो आपका एक यूनिफॉर्मली कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन आपको दिया है तो आप उसको अलग अलग करके क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको हम लोग करेंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।